भारत माता की, 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 भारत। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। रियासी के जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स जिला इंतजामिया और एलजी सरकार के खिलाफ रोज प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। आज भी रियासी पौनी सड़क के टाली मोड़ में सड़क बंद करके, सड़क जाम करके ये डेली वेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस ने हस्तक्षेप किया और डेली वेजर्स के दो नेताओं को गिरफ्तार किया। इन दोनों नेताओं की पहचान देविंदर सिंह और सुनील सिंह के रूप में हुई है। अब डेली वेजर्स ये मांग कर रहे हैं कि दोनों नेताओं को जल्दी छोड़ा जाए। देखिए NH1 की खास रिपोर्ट रियासी से। सरकार कहती है कि 2015 के बाद कोई आदमी नहीं है। 2018 में जो 54 आदमी लगाए गए हैं और पूर्व के मिनिस्टर रियासी के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता थी क्यों कौन लोग लगे हैं? क्या वो आपके रिलेटिव थे? क्या वो डीडीओ के रिलेटिव हैं? क्या वो डिप्टी कमिश्नर रियासी के रिलेटिव हैं? इंक्वायरी शीट क्यों नहीं होती है? अगर डिप्टी कमिश्नर रियासी को कुर्सी के ऊपर बैठना है, डिप्टी कमिश्नर रियासी को संगीनता के साथ इसके ऊपर वेरिफिकेशन लेनी होगी और मौजूदा जो हमारे डीडीओ है उसको सस्पेंड करके इंक्वायरी शीट होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही अरुण कुमार मेहता जी ने और प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया है। आपने ये देखा होगा कि इसी विषय को लेकर आज मैं जहां पर बैठा हुआ हूं। 2018 में चीफ इंजीनियर जम्मू PHE जल शक्ति के एक ज्ञापन निकालते हैं कि PHE डिवीजन ने 54 लोगों को लगाया है। 2018 में कौन से लोग लगे हैं मैं पूछना चाहता हूं, और 15 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया जो लोग पिछले 25 वर्षों से सेवादारी दे रहे हैं। मैं DDOs को सस्पेंड करके, मैं मेरी मांग है डिप्टी कमिश्नर के द्वारा सस्पेंड करके DDOs को वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्या हम लोग उसमें है? नहीं है। क्या हम लोग धरने प्रदर्शित कर रहे हैं? क्या हम इस विभाग के अधिकारी है? नहीं है। ये अंधी बहरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये हमारा साफ संदेश है, हम किसी के बहकावे में नहीं है, हम किसी के डर के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों के आगे झुकने का सवाल ही नहीं है। PHE को सस्पेंड करके इंक्वायरी शीट होनी चाहिए। जो तहसीलदार हेडक्वार्टर रियासी से मेरी बात हुई है, मंडे को मैं तहसीलदार हेडक्वार्टर रियासी से मिला था और तहसीलदार हेडक्वार्टर रियासी से मैंने कहा कि ड्यूटी कमिश्नर के साथ इसके ऊपर कोई संगीनता के साथ बात करें। अगर ड्यूटी कमिश्नर इसके ऊपर संगीनता के साथ विचार नहीं करती है तो 10 तारीख के बाद आपने देखना है कि रियासी में लोग पानी के लिए त्राहिम त्राहिम होंगे। बकाया वेतन को लेकर आप क्या जानते हैं? बकाया वेतन जो था उसकी भी मांग की गई थी कि नहीं मिला है, तो क्या वो बकाया वेतन जो है मिल चुका है या नहीं मिला है? बकाया वेतन लुटेरे खा के, जम्मू कश्मीर के लुटेरे कहते हैं कि मनोज सिन्हा काम नहीं कर रहे, अरुण मेहता काम नहीं कर रहे, दो लोग बाहर से आए हैं, बाकी सब निकम्मे झांके बिठाए दिए हैं और नकलचारी वाले और भ्रष्टाचारियों के बेटे उन कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं जिन्होंने डेली वेजर को निचोड़ दिया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को निचोड़ा, जिन्होंने गरीबों को निचोड़ा, उनको डेली वेजर बख्शिश नहीं करेंगे, डेली वेजर को बख्शेंगे नहीं। हमें भी मांग है कि इन लोगों को सस्पेंड करके इंक्वायरी शीट होनी चाहिए। पाई पाई का हिसाब डेली वेजर देने के लिए तैयार है। अगर डेली वेजर हिसाब दे सकता है तो इन अधिकारियों से भी हिसाब लेने का हमें पूर्ण अधिकार है, इसी अधिकार के साथ लड़ रहे हैं।